हेलो फ्रेंड्स, कल हम पढ़ चुके थे क्लास 12th के दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट, जिसमें हमने कल पढ़ा था एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम अपना मेल पार्ट था किसका? फ्लावर का, ठीक है। जो अपना सेकंड चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका अपना दूसरा पार्ट है यहाँ पे आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि अपने पास क्या है भाई, गाइनोसियम। कल की वीडियो में हमने डिस्कस की थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं भाई, ठीक है। उनमें अपना फीमेल जो अपना पार्ट आया था वो क्या है भाई, गाइनोसियम है। इसके बारे में मैं बात करता हूं भाई। सबसे पहली बात, ये किस चीज का बना हुआ है? तो इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टल या फिर बोल दो कार्पल। ये किस चीज का बना होता है भाई? पिस्टल या फिर कार्पल का बना हुआ होता है। और ये जो अपने पास कार्पल है भाई, ये सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। क्या हो सकते हैं? सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। अगर किसी फ्लावर के अंदर ये पिस्टल अकेला है, कार्पल अकेला है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते भाई मोनोकार्पेलेरी कंडीशन। मोनोकार्पेलेरी कंडीशन बोल देते भाई इसको। अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको बोल देते भाई मल्टी कार्पेलेरी कंडीशन। तो ये दो कंडीशन हमारे पास निकल के आती है भाई। अगर अकेला कार्पल है तो उसको बोल देंगे मोनोकार्पेलेरी, और एक से ज्यादा है तो उसको बोल देंगे मल्टी कार्पेलेरी। अब अपने पास जो मल्टी कार्पेलेरी कंडीशन अपने पास आई हुई, उसके अंदर भी आगे क्या हो सकती है? दो सिचुएशन हो सकती है। और वो दो सिचुएशन क्या क्या भाई? सबसे पहली हो सकती है भाई एपोकार्पस। क्या हो सकती है? एपोकार्पस। दूसरी अपने पास आएगी भाई सिनकार्पस। क्या आएगी? सिनकार्पस। देखो भाई, जो मल्टीकार्पेलरी जो कंडीशन अपने पास, उसमें क्या है? एक से ज्यादा कार्पल है, ठीक है। अब वो कार्पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है या फिर फ्री है एक दूसरे से, उसके बेस पे अपने पास दो टर्म आ गई, एपोकार्पस और सिनकार्पस। अगर एक से ज्यादा अपने पास कार्पल है, वो सारे के सारे अपने पास क्या है भाई, फ्री अगर है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, जुड़े हुए नहीं है, तो उसको बोल देंगे भाई एपोकार्पस कंडीशन। अगर वो जुड़े हुए है, फ्यूज्ड है, तो उसको उस कंडीशन को बोल देंगे भाई सिनकार्पस कंडीशन बोल देंगे। इनके एग्जांपल आपको दो तीन जरूर याद रखने, जो अपने एनसीईआरटी बुक में गिवन है। एपोकार्पस का अपने पास एग्जांपल आया माइकेलिया प्लांट भाई। माइकेलिया का जो फ्लावर है, उसमें क्या होते हैं जो अपने कार्पल होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। सिनकार्पस में अपने पास दो एग्जांपल याद आपको रखने हैं, पपावर और हिबिस्कस। तो ये दो बात आपको जरूर याद रखनी है। तो ये अपने पास बेसिक ये बात है भाई, गाइनोसियम जो अपने पास, वो किस चीज का बना होता है? पिस्टल या फिर कार्पल का बना हुआ होता है। वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक है तो उसको बोल देंगे मोनोकार्पेलेरी, और दो एक से ज्यादा अगर है भाई, इसको बोल देंगे मल्टी कार्पेलेरी। और मल्टी कार्पेलेरी के अंदर भी अपने पास दो कंडीशन आई निकल के, एपोकार्पस और सिनकार्पस। अगर वो कार्पल जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस, अगर सिंगल है या फिर फ्री है तो उसको बोल देंगे भाई एपोकार्पस। तो ये था भाई अपने पास यहां तक। अब अपने पास आता है पार्ट्स ऑफ पिस्टल। जो अपने पास पिस्टल है या फिर कार्पल है, उसके क्या क्या पार्ट है भाई, वो हमको देखने हैं, ठीक है भाई। बेसिकली अपने पास इसके कितने पार्ट है भाई? तीन पार्ट है। सबसे पहला अपने पास क्या है भाई? स्टिग्मा। उसके बाद आएगा भाई स्टाइल, और तीसरा अपने पास आता भाई ओवेरी। इनको समझना भाई ये क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अगर डायग्राम बना के दिखाऊं कार्पल का, तो कल हमने अपनी वीडियो में ऐसे करके जो सेंट्रल पार्ट बना था फ्लावर का, वो ऐसे होता भाई। ये अपने पास क्या भाई? एक कार्पल है। तो इसका सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है भाई, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं अपने पास क्या? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं भाई? स्टिग्मा। द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा। और ये स्टिग्मा अपने पास क्या करता है भाई? प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। किसके लिए? पोलन ग्रेन्स जो आएंगे, पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन आता है, सबसे पहले कहां पे आता है? स्टिग्मा के ऊपर आता है। तो इसलिए बोल दिया जाता है अपने पास जो स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन के लिए किसका काम करेगा भाई? प्लेटफॉर्म का काम करेगा।
जब भी पोलिनेशन होती है तो सबसे पहले जो अपने पास पोलन ग्रेन कहां पे आएगा भाई, स्टिग्मा के ऊपर आएगा। ये था अपने पास स्टिग्मा। दूसरा, जो स्टिग्मा के नीचे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अपने पास है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जो है, सिलेंड्रिकल पोर्शन जो अपने पास, ये क्या होता है अपने पास, स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टाइल। ये स्टाइल किस में हेल्प करेगा? इसका काम ये होता है, जब भी यहाँ पे पोलन ग्रेन आ जाता है तो वो पोलन ट्यूब निकालता है ऐसे, आगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हम पढ़ेंगे, तो ये क्या करता है, उस ट्यूब को पास करवाने का काम करता है, ओवरी तक पहुंचाने का काम करता, कौन? स्टाइल। तो स्टाइल इज द पोर्शन ऑफ पिस्टल बिनेथ द या फिर बिलो द स्टिग्मा। ठीक है भाई, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन अपने पास ये वाला। उसके बाद आता है ओवरी। ओवरी ये जो सबसे बेसल पार्ट, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है भाई, इसको बोलते हैं बल्ज्ड पार्ट, बल्ज्ड या फिर स्वोलन, उभरा हुआ जो अपने पास बेसल पार्ट है उसको क्या बोल देंगे भाई, ओवरी बोल देंगे। ओवरी के बारे में दो बातें और याद आपको रखनी है, जो भी अपने पास ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, एक ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल। और ओवरी के अंदर की जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लोक्यूल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर क्या होता है अपने पास, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और वो ओव्यूल, ओव्यूल जो है अपने पास भाई ओवरी से जुड़ा हुआ होता है, किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। तो लोक्यूल के अंदर अपने पास क्या होता है भाई, प्लेसेंटा होता है, जिससे अपने पास क्या जुड़ा होता है, ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है। तो ये था अपने पास भाई पार्ट्स ऑफ पिस्टल या फिर कार्पल के बारे में। अब ओव्यूल क्या चीज है भाई, ओव्यूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ओव्यूल। इसका दूसरा नाम अपने पास भाई मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम, इससे बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना भाई। ठीक है, जो ओव्यूल अपने पास भाई, ये क्या है, एक पार्ट है ओवरी का, इट इज ए पार्ट ऑफ ओवरी, या फिर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसे बोल सकते हैं, विच इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा एंड हैव some cells which becomes seed। जो क्या करते हैं, देखो जो अपने पास ओव्यूल है, ये क्या चीज है, ओव्यूल एक ओवरी का पार्ट है, या ओवरी के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर जो अपने पास प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, और कुछ एक सेल होती है जो आगे अपने पास ग्रो करके क्या बनाती है भाई, सीड बनाती है। क्योंकि हमने जो पहला चैप्टर जब पढ़ा था, हमने तीन बातें याद की, आपने डिस्कस की थी, जाइगोट जो अपने पास क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, जो अपने पास ओव्यूल जो अपने पास क्या बनाता है, सीड बनाता है, और ओवरी अपने पास किसमें कन्वर्ट हो जाती है भाई, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में। ये हमने डिस्कस किया था। तो ओव्यूल को अगर डिफाइन करना हमको, तो क्या बोलेंगे, एक ऐसे स्ट्रक्चर जो आगे जाके डेवलप हो जाएगी किसमें, सीड में। तो ये था भाई ओव्यूल के बारे में। अब देखो भाई, जो ओव्यूल अपने पास वो प्लांट्स में, या फिर ओव्यूल जो अपने पास फ्लावर में क्या हो सकते भाई, सिंगल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और मोर देन वन, या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं, मोर देन वन। ठीक है भाई, अब देखो ओव्यूल का हमने सीधा सीधा मतलब पढ़ लिया भाई, सीड से है, ओव्यूल क्या बनाते हैं, सीड। तो अपने पास अब हमको ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं, सिंगल सीड को किस किस में होता है और एक से ज्यादा किस किस में होता है। जैसे अपने पास क्या है भाई, मैंगो है, मैंगो के अंदर कितने सीड होते हैं, एक, तो ओव्यूल कितने होते हैं भाई, एक। उसके बाद वीट है भाई और राइस है, या फिर राइस को पेडी प्लांट भी बोलते हैं। तो अपने पास ये किसके एग्जांपल आ गए भाई, सिंगल ओव्यूल के। मोर देन वन, जैसे वाटरमेलन भाई, वाटरमेलन जो अपने पास, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं, आपने देखे हैं, और बीज कहां से बनते हैं, ओव्यूल से। अगर एक से ज्यादा बीज है तो मतलब कि उसके अंदर क्या था भाई, एक से ज्यादा ओव्यूल थे। उसके बाद ऑर्चिड प्लांट जो है अपने पास, ऑर्चिड जो है उसके अंदर भी क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं अपने पास, ओव्यूल होते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपने पास सिंगल और मल्टीपल ओव्यूल के बारे में। अब हमको पढ़ना है भाई ओव्यूल्स जो अपने पास, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, देखो ये टॉपिक जो अपने पास टाइप्स ऑफ ओव्यूल एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन इसमें से तीन बातें आपको जरूर याद रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। देखो भाई,
जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल है वो छह टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? छह टाइप के। सबसे पहला ऑर्थोट्रोपस, दूसरा अपने पास आता है एनाट्रोपस, तीसरा अपने पास आता है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स, चौथा अपने पास आता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स, उसके बाद अपने पास आता है सरसिनोट्रोपस ओव्यूल्स, ठीक है भाई। और उसके बाद अपना एक छठा एक और रहता है ऑर्थो हेमी, उसके बाद अपना एक और रहता है भाई जिसको हम बोलते हैं कैंपाइलोट्रोपस, क्या बोलते हैं? कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल्स। अब देखो भाई, आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, बेसिकली अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इनमें से तीन पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं अपने पास भाई। कौन कौन से? सबसे पहला जो अपने पास है भाई ऑर्थोट्रोपस जो है ये सबसे पुराना है भाई, मोस्ट प्रीमिटिव टाइप है अपने पास। क्या है? मोस्ट प्रीमिटिव टाइप अभी किसका? ओव्यूल का। एक बात ये याद रखनी। दूसरी बात अपने पास है भाई एनाट्रोपस, इसको दूसरा नाम दिया जाता है भाई इनवर्टेड ओव्यूल, इसके बारे में दूसरी बात यह है भाई ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कि 82% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या मिलता है भाई अपने पास एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल मिलता है। उसके बाद आपको एक बात इसके बारे में याद रखनी, जो अपने पास एम्फीट्रोपस है ये अपने पास किस शेप का होता है भाई? हॉर्स शू शेप का होता है। ये तीन बातें आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल में याद रखनी है, मोस्ट प्रीमिटिव कौन सा है ऑर्थोट्रोपस, इन्वर्टेड ओव्यूल, या फिर सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है अपने पास एनाट्रोपस, और हॉर्स शू जो घोड़े है घोड़े के पांव जैसा जो अपने पास ऐसा ऐसी जो स्ट्रक्चर वो किसकी मिलेगी भाई अपने पास एम्फीट्रोपस की मिलेगी। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो अपने पास ये है ये किस बेस पे दिए गए अभी आपको समझाऊंगा, उससे पहले हम क्या करेंगे भाई स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ओव्यूल की, इसकी ओव्यूल की, और सबसे ज्यादा जो ओव्यूल अपने पास मिलता है एनाट्रोपस, तो सबसे पहले हम किसका जिक्र करेंगे भाई एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनसीईआरटी में जो अपने पास डायग्राम दिया गया कौन से अपने पास कौन से ओव्यूल का दिया गया भाई एनाट्रोपस ओव्यूल का दिया गया है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल की अगर मैं बात करूं भाई, सबसे पहले इसके पार्ट्स में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है भाई फर्निकल, क्या है? फनिकल। दूसरा भाई हाइलम। तीसरा अपने पास निकल के आता भाई इंटेग्यूमेंट्स। चौथा अपने पास इंटेग्यूमेंट्स के बाद आता भाई माइक्रोपाइलर एंड, उसके बाद अपने पास आता भाई चालाजा एंड, उसके बाद अपने पास आता भाई न्यूसेलस, क्या आता है? न्यूसेलस, और उसके बाद अपने पास क्या आता है भाई एम्ब्रियो सैक। ये वाला जो टॉपिक है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन निकल के आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात फनिकल क्या होती है भाई? फनिकल एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होती है भाई, क्या होती है? स्टार्क लाइक, एक डंडे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि जोड़ती है किसको? ओव्यूल को किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। जो ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ जो स्ट्रक्चर जोड़ती है वो क्या होती है भाई अपने पास? फनिकल होती है, ठीक है भाई। उसके बाद हाइलम, ये वो वाला पॉइंट है जहां पर ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, या फिर ऐसे बोलेंगे जो अपने पास भाई हाइलम जो है अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा पॉइंट है जो कि फनिकल को अपने पास किससे जोड़ता है? प्लेसेंटा से जोड़ता है, मतलब कि ये जंक्शन का काम करता है। किसका? जंक्शन का। जंक्शन बताएगा किसके बीच? प्लेसेंटा और फनिकल के बीच में। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं, जो कि क्या करते हैं अपने पास ओव्यूल को ढक के रखते हैं, ओव्यूल के चारों तरफ फैले हुए होते हैं। मतलब कि अगर ये वाला ओव्यूल है तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं भाई? इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, और ये इंटेग्यूमेंट्स जो अपने पास सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। ज्यादातर कंडीशन में इंटेग्यूमेंट्स कितने होते हैं भाई? दो होते हैं, ठीक है, डबल होते हैं।
तो इंटेग्यूमेंट्स अपने पास क्या है भाई, एनवेलप है प्रोटेक्टिव, मतलब प्रोटेक्शन करने वाले एनवेलप है, पन्ने जैसी स्ट्रक्चर है, लिफाफे जैसी स्ट्रक्चर है, जो कि कहां पे है भाई, ओव्यूल के चारों तरफ है, और वो जनरली कितनी होती है भाई, दो होती है, ठीक है। उसके बाद अपने पास है माइक्रो पाइलर एंड। देखो मैंने अभी आपको बताया जो ओव्यूल है, ओव्यूल के चारों तरफ क्या अपने पास भाई, इंटेग्यूमेंट है। मान लो एक पहला इंटेग्यूमेंट ये था और दूसरा इंटेग्यूमेंट अपने पास ये था, ठीक है। ये चारों तरफ से कवर नहीं करते, एक छोटी सी जगह थोड़े से पोर्शन रह जाता है जहां पर क्या होते हैं इंटेग्यूमेंट अब सेंट होते हैं, और उस पोर्शन को क्या बोलते हैं भाई, माइक्रो पाइलर एंड बोलते हैं, ठीक है। एनाट्रोपस के केस में हम ऐसे बोल सकते हैं, माइक्रो पाइलर एंड अपने पास वो पोर्शन है जहां, मतलब वो टिप है, क्या है ये, ओव्यूल की टिप है, जहां पर अपने पास क्या होता है इंटेग्यूमेंट्स अब्सेंट होते हैं, तो उस पोर्शन को मैंने पास क्या बोल दिया भाई, माइक्रो पाइलर एंड बोल दिया, ठीक है भाई। अब उसके बाद अपने पास भाई चालाजा एंड, जो अपने पास चालाजा एंड है भाई, जो अपने पास क्या आया था माइक्रो पाइलर एंड जो आया था, इसके जस्ट अपोजिट जो पोर्शन है बेसल पार्ट जो अपने पास किसका, एनाट्रोपस ओव्यूल का, उसको हमने बोल दिया भाई चालाजा एंड, क्या बोल दिया चालाजा एंड। तो ये थे भाई माइक्रोपाइलर और चालाजा एंड के बारे में। उसके बाद अपने पास है भाई न्यूसेलस। देखिए जो अपने पास इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या है भाई, एक सेल का गुच्छा है, सेल का क्लस्टर है, या फिर मास ऑफ सेल है भाई, मास ऑफ सेल्स है, जिसके अंदर फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व वैल्यू बहुत ज्यादा होती है जिस सेल के अंदर, उस सेल का गुच्छा जो है, मास जो अपने पास इंटेग्यूमेंट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं भाई, न्यूसेलस बोलते हैं। तो ये था भाई न्यूसेलस। अब न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक बनता है, जो न्यूसेलस के अपने पास क्या है भाई, सेल्स जो है उनसे अपने पास क्या बनता है भाई, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, जो अपने पास एम्ब्रियो सैक है भाई, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपने पास क्या था भाई, जैसे मेल के केस में पोलन ग्रेन आया था, वैसे फीमेल के केस में अपने पास क्या आ गया भाई, पोलन सैक, ये एम्ब्रियो सैक आ गया। एम्ब्रियो सैक क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को डिनोट करता है। एम्ब्रियो सैक होता कहां पे, जो न्यूसेलस अपने पास क्या है, न्यूसेलस जो अपने पास है, ये क्या करेगा, इसकी सेल डिवाइड करेगी, कैसे, मियोटिकली, मियोटिक मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन करेगी, और अपने पास क्या बना देगी भाई, एम्ब्रियो सैक बना देगी, ठीक है भाई। तो एम्ब्रियो सैक अपने पास क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। जनरली ये क्या होते हैं भाई, एक एम्ब्रियो सैक होता है एक पिस्टल के अंदर, ठीक है भाई। एक्सेप्शन हमेशा यहाँ पे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लांट में जरूर मिलेंगे, लेकिन मोस्टली एम्ब्रियो कितने होते हैं भाई, एक होते हैं। तो ये अपनी स्ट्रक्चर थी भाई किसकी, ओव्यूल की। अब देखो भाई आज हमने क्या क्या पढ़ लिया इस वीडियो में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, गाइनोसियम के बारे में, गाइनोसियम क्या है, ठीक है। फिर उसके पार्ट क्या क्या है, किसके, पिस्टल के पार्ट क्या क्या है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा भाई ओव्यूल क्या चीज है, ओव्यूल के टाइप क्या क्या है, ठीक है। और अंत में हमने पढ़ा भाई स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ये टॉपिक आप एक बार जरूर कवर कर ले अपनी बुक से, कोई प्रॉब्लम आती तो जरूर बताएं, और भाई अपना चैनल को बढ़ावा जरूर दे भाई, अगर अच्छी लग रही है तो, हमारी हमारा ये छोटा सा प्रयास जो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको जरूर बढ़ावा दे भाई, ठीक है। अपने जो पोस्ट है, अपनी जो ये अपने वीडियो लेक्चर है, इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए भाई हमारे साथ। अगली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, जो अपने पास एम्ब्रियो सैक है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते हैं।